इस समय हम खड़े हैं, गांव का नाम है दुगरा, विकास क्षेत्र बक्सी का तालाब, लखनऊ। सरकार चाहती है स्वच्छ भारत, खुले में शौच मुक्त भारत। सरकार का यह बहुत बड़ा सपना है, इसके लिए सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है और खर्च कर रही है। लाभार्थियों को शौचालय दिए जा रहे हैं ताकि गांव खुले में शौच मुक्त हो जाए। गांव खुले में शौच मुक्त होगा तो पूरा भारत खुले में शौच मुक्त होगा। तो जब जिम्मेदार ऐसे शौचालय बनवाएंगे? मैंने लाभार्थी से पूछा तो पता चला कि ये 6 महीने पहले बनवाया गया और इसकी स्थिति क्या है आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। कहाँ के रहने वाले आप? दुगरा। क्या है पूरा मामला बताएंगे? हाँ, हमारे ये ठेके में जो है शौचालय हमको दिया गया, बनवाया गया ठेके। किसने बनवाया ठेके में? ये ग्राम प्रधान और ठेकेदार। प्रधान का क्या नाम है? केसन। अच्छा, कब बनाया शौचालय? ये 8-10 महीने पहले हो गया बनवाया। 8-10 महीने पहले? और बना ये ठेके पे? ठेके पे जी। तो हमें लोग आप क्या चाहते हैं? ये जब हम ये चाहते हैं कि जब सरकार 12,000 रुपये दे रही शौचालय का, तो 2 गड्ढे और चैम्बर और टंकी बनाने का जब दे रही है तो उसमें केवल एक गड्ढा बना करके और मेरे शौचालय का काम खत्म। एक ही गड्ढा बना आपका? जी। जब प्रधान बनवा रहे थे तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? ऑब्जेक्शन किया, ठेकेदार ने हमको धमकियां दी मारने के लिए भी। जब मैंने ऑब्जेक्शन किया तो उसने कहा कि हाथ पैर तुम्हारे तोड़ करके बराबर कर देंगे। ये किसने बोला? ये ठेकेदार ने बोला। अच्छा, ठेकेदार का क्या नाम है? दिनेश। कहाँ के हैं वो? ये इसी ग्राम दुगरा के हैं ठेकेदार। अच्छा अच्छा। तो जिसके लिए मैंने तहसील दिवस में एप्लीकेशन भी दी। हाँ। और उसके बाद में उसको एप्लीकेशन को वहीं पर जो भी कार्रवाई अभी आगे कुछ हुआ या नहीं हुआ मुझे कोई सूचित नहीं किया गया है। अच्छा अच्छा। और मेरा उद्देश्य है कि मेरा कार्य पूरा कराया जाए, इसके लिए मैंने बहुत बड़ा प्रयास किया। और जब ये जिंदा वालों को रहे, मृतकों के नाम जो है शौचालय बनाए गए हैं, जिस पर हमारे ऊपर बहुत बड़ा जो है अत्याचार किया गया। हमको 22 जनवरी 2019 को मेरे साथ घटना कर करके मुझे जेल भिजवाया गया, थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आपकी कौन सी घटना की गई? वो मुझ पर आरोप लगाए कि हमको जो है असलाह लेकर के मारने जा रहे हैं। किसने आरोप लगाया आपको? किशन प्रधान ने। किशन प्रधान ने जी आरोप लगाया कि असलाह लेके मारने के लिए। असलाह लेके मारने पुलिस आई मुझे। तो आपने एफआईआर नहीं बना किया? एफआईआर हमारी लिखी नहीं गई इसके। पहले मैंने कई एप्लीकेशन दिया है थाना दिवस तहसील दिवस में, जिसकी मेरे पास रसीदे भी अभी पर्याप्त है। अच्छा, आपके पास रसीदे हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा। आज तक उस पर कोई कार्रवाई एक्शन नहीं लिया गया मुझे। मेरे ऊपर आज भी केस चल रहा है। सामने ये बाउंड्री गिरी हुई पड़ी हुई थी विद्यालय के, हमारे सामने ये है, ये गंदगी यहाँ से। जब मेरा उद्देश्य था कि रोड के किनारे, आपने रोड से, प्रधान ने कहा कि हम यहाँ रोड से बाउंड्री लेंगे, लेकिन वो बाउंड्री रोड से न लेकर के पीछे हट करके गए और दूसरे को यहाँ पर एक रामोतार बाबा है, कालीचरण है, जिनके द्वारा यहाँ पर मकान या बिल्डिंग बनवाई जा रही थी। तो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया, पुलिस आई थाने लेकर के भी गई, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे तक मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, तरह तरह के जो है मुझे भेदभाव ने और अत्याचार मेरे साथ किया जा रहा है, जिसकी मैं चाहता हूँ उचित कार्रवाई करके, जांच करके और इस पर कार्रवाई की जाए। मेरे घर आए उनके भतीजे भी, दो हमको जो है चढ़ करके 2 बार हमको गाली दी और थप्पड़ मारा, जिस पर मैंने काफी जो है क्रोध भरा हुआ। किसने मारा आपको थप्पड़? ये भतीजे ने, इनके किसके भतीजे? प्रधान के जो है जी के भतीजे ने, आपको भतीजे ने। ये 11/11/2018 की घटना है मेरे साथ हुई है, मुझे तारीख भी डेट है याद है। और इसके बाद में मुझ पर जो है ये आरोप लगाए गए हैं, जिससे मैं काफी प्रताड़ित हुआ। आप देख रहे हैं किस प्रकार पीड़ित, किस मेरी पीड़ाओं को आज तक भी नहीं किसने नहीं सुना है। आप देख रहे हैं कि पीड़ित किस तरह से परेशान है। पीड़ित परेशान है, एक तो उसको जो शौचालय मिला वो खराब मिला, और जब उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उन पर मुकदमा करवाया गया, उनके घर गुंडे भेजे गए, उनको मारा भी गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो शासन से न्याय का आस लिए बैठे हैं, लेकिन शासन है कुछ कर नहीं रहा। अगर जो लोग ऐसे ही प्रताड़ित किए जाते रहेंगे, कौन देगा न्याय इनके लिए? सरकार तो रोज कहती है कि हम गुंडाराज के खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। क्या इस कदर ही लड़ा जाएगा गुंडाराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ? ऐसे ही लड़ाई होगी क्या? ऐसे ही गुंडे घर पे आके किसी को मार के चले जाएंगे? अगर जो दबा कुचला है तो उसकी आवाज कहीं नहीं सुनी जाएगी, उसको प्रताड़ित किया जाता रहेगा। अगर वो थाने जाएगा तो उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, वो एफआईआर करेगा तो उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि
जो अत्याचार कर रहे हैं वो दबंग किस्म के हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, वो धनी व्यक्ति हैं, तो क्या गरीब को ऐसा न्याय किया जाएगा कि उसकी आवाज ही कहीं नहीं सुनी जाएगी? अंकल आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, क्या हो आपके साथ? चाहते हैं कि न्याय हो और ये जो गुंडागर्दी है और अत्याचार है, जो ये घोटाला है, इसकी सही जो है जांच हो करके इस पर कार्रवाई होना चाहिए। खरिहान और तालाब की जमीनें जो है सुरक्षित मानी जाती हैं, जहां पर खरिहान में बिल्डिंग खड़ी की गई हैं। तमाम ऐसी घटनाएं हमारे गांव के अंदर हैं जिसका अभी तक कोई जो है जांच नहीं है, जिसकी जो है डीएम ने एक बार शायद उसकी बैठक की थी और जिस पर आदेश दिया था सचों को, जो कि डीएम उनकी जो है कार्रवाई सचिव जो है उसका मैना करके वो बताए कि कहाँ पर कौन सी स्थिति, क्या मकान बनवाए गए हैं, क्या तालाब में वो अवैध कब्जा किए गए हैं, इसका जो है कार्रवाई उससे मांगी गई थी। लेकिन सचिव हमारे गांव आते हैं और वो देख करके चले जाते हैं, नालियां गंदी पड़ी हुई हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, ना ही किसी की देखभाल की जाती है। तमाम कूड़ा करकट यहाँ पर हमारे घर के सामने डाला गया था, जिस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था, जिसके कारण हमको जो है प्रताड़ित किया गया और हमें ही जो है दंडित किया गया। मेरी आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, न कोई मेरी बात आज तक सुनी है। तहसील दिवस से लेकर एसडीएम तक और बीडीओ तक मैंने जो है एक जनसूचना भी मांगी थी, लेकिन आज तक मेरी कोई जनसूचना का जवाब नहीं मिला है। सामने दिखा दीजिए। हमको कई बार जो है प्रताड़ित किया गया है। मैं इधर देखिए, हमने जब अप्लीकेशन दिया सामने देखे यहाँ की जो है समस्याएं बहुत बड़ी थी, घटनाएं की जा रही थी हमारे सामने, मैंने उन पर जो है विरोध जताया, तो हमारे साथ काफ़ी घटनाओं का अंजाम दिया गया है, जो कि 13-10 तारीख को हमारे घर ग्राम प्रधान खुद चल करके आए रात में 10 बजे। उन्होंने गालियाँ दी और मारने की धमकी दी और कहा, उस समय मैंने सुनते रहे लेकिन मैंने गेट नहीं खोला अपना। सुबह उन्होंने रात में उन्होंने कह के बोल के गए कि सुबह साले आ करके तुम हमको मिल लेना, अन्यथा अंजाम इसका बुरा होगा। हमने जो है इंतज़ार करते रहे सुबह, लेकिन जब नहीं आया तो मैंने 18 तारीख को एसपी साहब के वहाँ एप्लीकेशन दिया, जिसकी 21 तारीख को घटना थाने को आ गई। थाने से कार्रवाई होते हुए उन्होंने अपने बचाव के लिए हमको जो है 22 जनवरी 2018 को योजना बना करके अपनी घटना का अंजाम दिया और थाने को हमको जेल भिजवा दिया गया, जहां पर थाने में एफआईआर करते समय घटना की जो है सूचना गांव में दिया, जो कि आतंकवादी की तरीके से हमको प्रताड़ित किया गया और मारने के लिए लोग काफ़ी हमको आए हुए थे इनके गुंडागर्दियों के द्वारा। पुलिस वाले मौके पर पहुंच करके हमको जो है बचा करके ले गए और घटना की जानकारी ली। मैंने सारी समस्याएँ बता दी कि ऐसी ऐसी घटना है सर हमारे साथ। प्रधान जी ने जो है कहा तुम्हारे साथ में 3 लोग और थे, तो हमने कहा हमारे साथ कोई नहीं थी, हमारी आपकी मुलाकात हरदा कॉलोनी के पास में हुई है और हम इसके बारे में नहीं हम जानते, ना ही मैंने कोई ऐसी घटना का अंजाम दिया है। प्रधान जी ने क्या कहा आपसे? प्रधान जी ने कहा कि तुमने हमको जो है हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दी है, इसलिए मैं FIR दर्ज कराऊंगा और तुमको किसी न किसी में जो है हम फंसा देंगे, जेल भेज देंगे। उन्होंने जा करके तुरंत FIR करा करके हमको जो है जेल भिजवाया, थाने में रात भर रखने और हमारी लड़की को मारने के लिए कहा। अच्छा, क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है सोना भारती। आपने देखा कि किस तरह से गरीब को दबाया जा रहा है, उसके साथ नाइंसाफी की जा रही है, उसको जो भी लाभ दिए जा रहे, लाभार्थी है तो लाभ दिए गए, लेकिन लाभ के नाम पर क्या दिया गया, केवल धोखा। इसे धोखा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये लाभ के नाम पर केवल धोखा है। लाभार्थी को शौचालय दिया गया लेकिन वो उपयोग के काबिल नहीं है, ऐसे में कैसे होगा खुले में शौच मुक्त भारत? ये किस तरह का शौचालय बनते हैं? 12,000 कितने मिले, कितने खपे, कितने खा गए प्रधान जी, और डकार तक नहीं ली, सब हजम कर गए। यहाँ के लोग ग्रामीण जिनको पता नहीं होता सरकार किस चीज के लिए कितना पैसा देती है, अगर जो सीसी रोड बनी है तो कितना पैसा आया होगा और साथ में कितना एस्टीमेट मिला होगा नाली के लिए, लेकिन नाली कहाँ गई, तो सड़क पे ही तो बहेगा, पानी बह रहा है सड़क पे। प्रधान जी का कार्यालय है बंद, प्रधान जी गए हैं कहीं घूमने कार से या अपने कार से, ये तो खैर पता नहीं। बहुत सारी नालियां, ये देखिए चारों तरफ वही आलम, सब परेशान है,
कोई यहाँ पे अगर जो बारिश होती होगी तो फिसल के गिर जाता होगा, जहाँ से लेकर वहाँ तक है कि इस तरह की गंदगी व्याप्त रहे। ऐसी गंदगी होगी तो कैसे स्वच्छ होगा भारत, कैसे स्वस्थ होगा भारत। कैमरामैन गोविंद राज के साथ अंकित मिश्रा, TV1 इंडिया न्यूज़, लखनऊ।